ठीक एक साल पहले 22 फरवरी को मेरे साथ सड़क हिंसा हुई। डीटीसी बस के कंडक्टर ने ये की और वो सड़क पर पेशाब कर रहा था। अपनी बस रोककर फुटपाथ और सड़क के बीच में, ये तो एक आम दृश्य है। दरअसल लोग पेशाब करते आपको मिल जाएंगे, इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा कि पूरा लैंडस्केप ही पेशाब घर है। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि वो अधिक अश्लील था और फुटपाथ पर जो चल रहे थे वो उनकी तरफ अपना शीश निकर वो खड़ा हुआ था, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। तो मैंने कहा कि भाई ये क्यों कर रहे हो? तो बजाय इसके कि वो ये कहता कि अरे ताऊ चला जा, रे भाई चला जा, या जैसे अमर्त्य सेन कहते हैं कि एक आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन है जो बहस करता है, तर्क करता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपना काम धाम निपटाने के बाद उसने मेरे साथ बर्बरता दिखाई और उसमें उसका ड्राइवर भी शामिल था। FIR हुई, जाहिर है कि मैंने बहुत अकेला और अपमानित महसूस किया था। लेकिन बहुत जल्दी ही मुझे लगने लगा कि वो मेरा शत्रु नहीं है। मैं इस तरह भी देखता हूँ कि वह एक विकेंद्रित हिंसा है। वह एक ऐसी हिंसा है जो दरअसल बहुत समान तौर पर पूरे देश में वितरित की जा रही है और इसको वितरित कर रहा है एक ऐसा राज्य जो धीरे धीरे सैन्यवादी हुआ है, जो अंधराष्ट्रवादी हुआ है, और वो अन्य चीज़ों का वितरण नहीं कर सकता। मतलब सौमनस्य का वितरण नहीं कर सकता, वो समानता के विचार का वितरण नहीं कर सकता, वो इस बात का वितरण नहीं कर सकता कि जातियों में कोई भेद नहीं है, आय में कम से कम भेद हो, इन ज्ञान का वितरण वो नहीं कर सकता समान तौर पर, लेकिन हिंसा का वितरण हो सकता है, पारस्परिक वैमनस्य का वितरण हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो ड्राइवर और कंडक्टर ने किया वो उसी का एक कोई सड़कीय रूप था, और इसीलिए मुझे लगा कि इसको वे मेरे वर्ग शत्रु नहीं हैं, एक एक भटका हुआ समाज जो बन रहा है वे उसके हिस्से हैं। तो मुझे लगा कि इनको क्षमा दान देना चाहिए, कम से कम एक अवसर हो किसी के लिए पश्चाताप करने का, ये सोचने का कि नहीं उसने जो कुछ किया गलत किया, एक बड़ी मनुष्यता को प्रस्तावित करने का एक अवसर था वो मेरे लिए। तो मैंने तय किया कि पहली ही अदालती कार्रवाई में मैं उसे माफ़ी दूंगा जो मैंने दे भी दी है। उस समय मैंने कहा भी अदालत में एक छोटी सी अपनी बात में कि जो कविता, जो काम मैं कर रहा हूँ कविता का काम, वो लोगों को बेहतर मनुष्य बनाने का काम है, वह मूलतः हिंसा विरोधी काम है, वह एक बेहतर मनुष्यता के संस्तर को जांचने, आविष्कृत करने की प्रक्रिया है। तो अगर मैं क्रोध में जलता रहूँगा, प्रतिशोध में जलता रहूँगा, मैं इसको नष्ट कर दूंगा, इस अग्नि में जलता रहूंगा, तो जैसे मैं अपने काम में ही विफल हो गया। ये जो मैंने टोका टाकी की, एक सिविल बिहेवियर की टोका टाकी मैंने की, वो मैं कविता में भी करता हूँ। सड़क पर मैं लड़ता रहता हूँ। अगर कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, तो और ये कविता में भी मेरी टोका टाकी चलती है, उसमें मैं राज्य से पूछता हूँ कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, क्यों क्रूर बन रहे हो, क्यों बर्बर बन रहे हो, क्यों मनुष्य नहीं हो, क्या क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? और जिस दिन ये टोका टाकी मेरी बंद हो जाएगी और मैं एक बेहद सुरक्षित दुनिया में चलने लगूंगा, मुझे लगेगा कि मेरे कवि की और मेरे मनुष्य की मृत्यु हो गई।